राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे मित्रों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब भी हम सुबह शाम अपने प्रभु की, अपने आराध्य, अपने इष्ट देवता की पूजा अर्चना करते हैं तो हम किस तरीके से आरती करते हैं, और यदि आप आरती नहीं करते हैं तो प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आरती करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिना आरती के कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। आरती करने का अपना विशेष महत्व होता है। आज की ये वीडियो स्पेशली इसी के विषय में है कि हमें आरती कैसे करनी चाहिए, आरती से हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं, आरती करने के क्या क्या नियम होते हैं। देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सुबह शाम भगवान की पूजा तो करते हैं लेकिन वो आरती नहीं करते हैं। आरती का गुणगान करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे हमें विशेष लाभ प्राप्त होते हैं और हमारे प्रभु और जो हमारे इष्ट देवता है वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए हर घर में आरती सुबह शाम होनी चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आरती करने के विशेष नियम क्या हैं, हमें कैसे आरती करनी चाहिए, किस तरीके से बातें होनी चाहिए, तो ये सारी ही बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर सुने। सबसे पहले हम यह बात करने वाले हैं कि आरती कैसे की जाती है। देखिए, धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में आरती से जुड़े कुछ खास नियम बताए गए हैं। भगवान की आरती कैसे की जाती है, दीपक किस दिशा में रखा जाना चाहिए और दीपक की बाती कैसी होनी चाहिए, ये सब भी इन नियमों में बताया गया है। आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं नियमों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरती को कितनी बार घुमाना चाहिए। देखिए, आपने लोगों को देखा होगा जो जिनको नहीं मालूम है कि आरती को कैसे घुमाते हैं, तो वो गोल गोल सिर्फ एक ही सर्कल में, एक ही राउंड में वो बस आरती को घुमाए जाते हैं, लेकिन ये आरती करने का गलत तरीका है। अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं, भगवान है या जो भी कोई इष्ट देवी देवता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भगवान के चरण है वहां आपको भगवान की जो आरती है वो चार बार घुमानी है। नाभि की ओर दो बार, मुख की ओर एक बार, फिर भगवान के समस्त श्री अंगों में यानी सिर से चरण तक सात बार आरती घुमाएं। यानी चार बार मैंने आपको बताया, चार बार चरण की तरफ, नाभि की ओर दो बार, मुख की ओर एक बार, और फिर पूरे सिर से लेकर चरण तक आपको सात बार घुमानी है। तो इस तरीके से 14 बार आपको आरती करनी है। इस तरह से आरती करने में 14 भवन जो भगवान में समाये हैं उन तक आपका प्रणाम पहुँच है। ध्यान रखें कि आरती हमेशा भगवान के श्री चरणों से ही आरंभ करनी चाहिए। तो प्यारे मित्रों, ये था तरीका, सही तरीका आरती करने का, इस तरीके से आपको आरती स्टार्ट करनी है। अब हम बात करते हैं कि कितने दीपों से आरती करनी चाहिए। देखिए, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि कितने दीप होने चाहिए। पुराणों में बताया गया कि आरती सदैव पंचमुखी ज्योति या सप्तमुखी ज्योति से करना ही सर्वोत्तम माना जाता है। यदि आप पंचमुखी सप्तमुखी से नहीं कर पाते तो आप सिंगल एक बाती से भी कर सकते हैं, यानी दीपक में पांच या फिर सात बाती लगाकर ही भगवान की आरती करनी चाहिए। इसके साथ ही शंख और घंटी का प्रयोग आरती में जरूर होना चाहिए। आरती के बीच बीच में शंखनाद होता है तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा शुभ माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि दीपक को कैसे और कहाँ रखें। देखिए, कलका पुराण में बताया गया है कि दीपक को धरती पर रखने से धरती का ताप बढ़ता है, इसीलिए आपको कभी भी, जब भी आप अपने ईश्वर की, अपने प्रभु की आरती कर रहे हैं, तो दीपक को डायरेक्ट आपको धरती पर नहीं रखना चाहिए। आपके पास कोई बर्तन है, कोई थाली है, कोई प्लेट है, उसमें ही रखें। दीपक को स्थापित कर उसका पूजन और करें, फिर उसको प्रज्वलित करने के बाद हाथ का प्रक्षालित यानी जल से धोना अवश्य जाना चाहिए। उसको धोकर ही आप हाथ में थाली लें और पूजा करने के बाद भी आप अपने हाथों को धो सकते हैं। तो ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक रख रहे हैं उसे धरती पर नहीं रखना। अगर आप मंदिर में भी रख रहे हो तो कोई प्लेट या थाली होनी चाहिए, उसमें ही आप दीपक रखें, वो सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं कि हमें पूजा में, हम जब आरती कर रहे हैं तो आरती करते वक्त जो दीपक है वो घी का होना चाहिए या तेल का होना चाहिए। देखिए, शास्त्रों में या तो शुद्ध घी का या तिल के तेल का दीपक जलाने का प्रमाण है, यानी तिल का तेल बहुत शुद्ध माना जाता है और घी का, पर सरसों, नारियल आदि के तेल का दीपक जलाने की बात नहीं कही गई है। और आप
आप ना ही जलाएं तो बढ़िया है, लेकिन आप विशेष तौर पर शनि देवता के लिए जलाते हैं तब आप सरसों का जला सकते हैं। लेकिन आप यदि अन्य देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं या विष्णु भगवान की कर रहे हैं या शिव शंकर की कर रहे हैं तो उसके लिए आप तिल का तेल लें या फिर घी लें, देसी शुद्ध देसी घी का दीपक आप बना सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा रहता है। इसके साथ ही ध्यान रखें कि घी का दीपक हमेशा भगवान के दक्षिण तरफ यानी सीधे हाथ की ओर, तिल का दीपक भाग यानी बाईं ओर रखा जाना चाहिए, तो इस बात का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। दीपक का मुख किस ओर होना चाहिए ये भी आप ध्यान रखिए कि दीपक यदि आप रख रहे हैं मंदिर में, दीपक किस दिशा में रखा जाता है। इस बारे में पुराणों में बताया गया है कि दीपक का मुख पूर्व दिशा में होगा तो वे आयु बढ़ाने वाला होगा, उत्तर की तरफ वाला धन धान्य देने वाला होता है, पश्चिम की तरफ दुख और दक्षिण की तरफ हानि देने वाला होता है। तो प्यारे मित्रों यहाँ पर मैंने आपको बता दी, तो इस तरीके से आप दीपक को रखें, जो कि अगर गलत तरीके से रखेंगे, पश्चिम की तरफ रखेंगे दक्षिण की तरफ रखेंगे तो आपको हानि होगी, इसलिए आप हमेशा दीपक को पूर्व दिशा में ही रखें, ये आयु बढ़ाने वाला होता है। पूर्व और उत्तर दिशा ही उत्तम बताई गई है, तो आप पूर्व या उत्तर दिशा में रख सकते हैं, ये दोनों ही दिशा अच्छी बताई गई है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी बातें होनी चाहिए, किस तरीके की बातें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। देखिए घी के दीपक में हमेशा कपास की बाती और तिल के तेल में लाल मौली की बाती होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि घी को तेल के साथ मिलाकर कभी भी दीप में न डालें। अगर आपको जलाना है तो या सिर्फ घी का या फिर सिर्फ तिल के तेल का दीपक ही जलाएं। ठीक है, तो प्यारे मित्रों इस तरीके से आपको बाती बनानी है, और जैसा कि मैंने बताया या तो आप शुद्ध देसी घी ले सकते हैं या फिर आप तिल का तेल ले सकते हैं, ये दोनों ही तेल भगवान की आरती के लिए अच्छे बताए गए हैं, अच्छे माने गए हैं। प्यारे मित्रों अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ आरती से जुड़े कुछ बहुत जरूरी नियम जो कि आपको जरूर पालन करने हैं। देखिए आरती कभी भी अखंड दीप या उस दीप से ना करें जो आपने पूजा के लिए जलाया था, यानी कोई भी टूटा फूटा ना हो या उसी दीपक को वापस इस्तेमाल में ना करें। हमेशा अच्छे दीपक को ले मजा हुआ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, कहीं से भी खंडित टूटा फूटा या गंदा दीपक नहीं होना चाहिए, तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरा, पूजा के लिए जब भी आप पूजा कर रहे हो, आरती कर रहे हो, तो हमेशा खड़े होकर आरती करना चाहिए। खड़े होकर आरती करने का तात्पर्य है कि हम अपने भगवान को सम्मान दे रहे हैं, बैठकर आरती कभी भी ना करें, आरती हमेशा दाएं हाथ से करनी चाहिए। साथ ही साथ कोई आरती कर रहा हो तो उस समय उसके ऊपर से ही हाथ घुमाना नहीं चाहिए, यह काम आरती खत्म करने के बाद करें। आरती के बीच में बोलने, चीखने छींकने आदि से आरती खंडित होती है, यानी जब तक आरती संपूर्ण नहीं हो जाती तब तक आरती के ऊपर से हाथ ना फिराएं। दीपक की व्यवस्था इस प्रकार करें कि पूरी आरती में चले, आरती कभी भी उल्टी ना घुमाएं, आरती को हमेशा क्लॉकवाइज ही घुमाना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अच्छे से उसमें घी डालें जिससे कि वो बीच में भुज ना जाए। प्यारे मित्रों ये मैंने आपको आरती से संबंधित कुछ नियम बताए जो कि बहुत जरूरी हैं, जिनका की पालन हमें करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि मित्रों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।